हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, हैप्पी दिवाली। और मैं तैयार हो गई हूँ नहा के। शाम को, शाम क्या हो रही है, 6 बज रहा है। हाँ 6 बज रहा है, तो शाम ही हो रही। और मजा आ रही खीर बनाने, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर चढ़ेगी। और दिखाते हैं आपको, ये रहा चावल और ये मखाना है। मखाना खीर में पड़ेगा। मम्मी कह रही थी मखाने का ही बनाने के लिए, तो मैंने कहा नहीं, चावल का भी बनाते हैं। मखाना है बहुत सारा, एक पूरा पैकेट है, लेकिन मखाने की खीर मैंने कभी नहीं बनाई पहले, तो डाल के बनाई है, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मखाना और ये सब मेवा मिला के बनाएंगे। और नए बर्तन में बनता है हर साल खीर, जो भी मतलब बनता है पूजा वाला ही बर्तन होता है। तो ये नया कुकर प्रेस्टीज का, ये रहा, तो इसी में बनेगा। और ये रहा पानी, साफ पानी है तो इसी पानी से बनेगा। और गैस को मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से जल डाल के, और इसी जल से बनेगा खाना। तो चावल को अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसमें मतलब कि कोई चीज़ वो नहीं है। तो माता के लिए खीर बनाएंगे, और माता लक्ष्मी को खीर चढ़ेगा, तो वही खीर भोग में लगेगा। भोग में सब लोग खीर खाएंगे, और सुबह का छोला और पनीर की सब्जी मैं भी छूँगी नहीं, क्योंकि मैंने नहा लिया है, फिर उसको टच करेंगे तो फिर हाथ धोना पड़ेगा हमको। तो क्या कहते हैं, छोला, पनीर की सब्जी, पूड़ी और पुलाव, रोटी कोई जो नहीं खाता उसके लिए रखा हुआ है। और ये मेरा गैस देखिए, पूरा क्लीन मैंने कर रखा है, एकदम साफ़ कर रखा है, क्लीन पूरा, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आपको, एकदम साफ़ कर देगा। और ये दूध आया है, दूध को किसी ने टच नहीं किया है, और एकदम साफ़ दूध है, डल्लू पूरा भरा हुआ है। तो चावल धुल के ले आते हैं, फिर उसके बाद खीर बनाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो केसर रखा हुआ है, केसर मैं भूल गई थी लेने के लिए, तो केसर ले लेंगे। तो मैंने ऐसे ही ये कपड़ा मंगाया था, आप लोग को दिखाया था, जो वही सिंपल सा पहना है, और ये इसकी चुन्नी रही, किचन में काम कर रहे हैं तो दुपट्टा नहीं, तो इसीलिए। और ये केसर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने अभी भी तुरंत नया ऑयल निकाला है, रिफाइंड ऑयल है, क्योंकि घी मैं नहीं खाती हूँ, और घी चढ़ता है, चढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब भगवान ऐसा नहीं है, घी भी मतलब है पूजा के लिए, तो वो घी वहाँ पे है, यूज हो रहा है, और वहाँ पूजा पाठ हो रहा है, मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही क्योंकि मुझे यहाँ पे खीर बनाना है। तो अभी पूजा हो रही है, मैं बना फटाफट करती हूँ काम। और ये देखिए पूरा मखाना मेवा रहा, और ये रहा चावल, ये पानी रहा, ये दूध रहा। तो दूध को भी बॉयल भी करना है मुझे, एक तरफ दूध चढ़ा देंगे, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो गैस को कर लेंगे ऑन। तो मेरी गैस में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये देखिए, तो कैमरा को थोड़ा रखते हैं, फिर इसके बाद चालू करते हैं। तो ये गैस हो गई है हमारी ऑन, और इसके ऊपर चढ़ा देंगे ये कुकर, और आँच को कर देंगे थोड़ा सा धीमा, और ले आएंगे एक भगोना, उसमें दूध चढ़ाना है मुझे। तो ये पानी इसमें का सूख गया, तो इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। ऑयल हो गया है, डाल देंगे इसमें सारा मेवा, डाल देंगे चावल। मैंने इसमें डाल दिया है चावल, और इसको चला देंगे,
मुझे पड़ेगा पानी थोड़ा सा, इसको हल्का सा। सारा मखाना और वो सब सारी चीज़ें वो हो गई, मिक्स हो गई हैं, पक गई हैं मतलब। तो इसमें डालेंगे पानी, तो ये रहा पानी। और ये मैंने दूध चढ़ा रखा है, इसको थोड़ा सा पानी में पहले पकने देंगे, चावल को डालने देंगे, फिर उसके बाद दूध डालेंगे। सिर्फ पानी में पकने देना है। और इसमें से निकाल लेंगे इलायची। इसको ना जल्दी बनाने के लिए मैं एक काम और कर सकते हैं, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और मतलब सारी चीज़ पड़ा हुआ है, चीनी नहीं पड़ी हुई है, तो इसमें डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा पानी और डाल के इतना सा, और इसमें जो है इसको सीटी लगा देंगे ताकि ये जल्दी पक जाए, क्योंकि मम्मी को जल्दी चाहिए। और तब तक हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा, पकना आसान रहेगा और बनना भी आसान रहेगा। मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ और अच्छा है। हाथ में धनिया और इसको लेके चलना है वहाँ पे, और मैं जा रही हूँ गैस धीमा करके मम्मी को देने धनिया, और देखते हैं। खीर,
ले बहुत गर्म करी माता का कृष्णा करी माता ऐसे रख चुको मैं करी माता और इतना काहे भर के लिए आऊं वहां कहां रख पाऊं हम रुक जा थोड़ा सा साइड में रख दे अभी चलो अच्छा इसे छुआ लेते हैं ना उठा के वो है तो उठा ले गर्म ही है एकदम थोड़ा सा मुंह हाथ से छुआ दे अरे रख दे चाहे जहाँ रख दे प्लेट व्लेट में कहीं भी होना है इनके तो पूरा वो बस काम खत्म थोड़ा सा इन्हें इनका बतासा बतासा इन्हें से निकाल के दे दे इनका बर्तन इनका नहीं जो इनका गट्टा कहाँ है गट्टा वहाँ बुलाए गए